नेपाल के पोखरा में हुए येति एयरलाइंस के विमान हादसे में अब तक 68 लोगों के शव मिल चुके हैं। विकिपीडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार विमान में सवार 68 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स में से किसी को भी बचाया नहीं जा सका। इस हादसे में 5 भारतीय नागरिकों के भी मारे जाने की खबर है। इस हादसे ने जहां नेपाल और भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में शोक की लहर फैला दी है, वहीं ये सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर इतना भयानक हादसा हुआ कैसे? क्या प्लेन में कोई तकनीकी खराबी थी या मौसम खराब था? इन सभी सवालों के सही सही जवाब तो ऑफिशियल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेंगे, लेकिन चश्मदीदों के बयान और मीडिया में आ रही तस्वीरों और वीडियो से इस हादसे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ रहे हैं जो हादसे के अनुमानित कारणों से जुड़े हो सकते हैं। सबसे पहले हम न्यू पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भौगोलिक स्थिति जानने की कोशिश करते हैं। पोखरा में 2 एयरपोर्ट हैं, एक है ओल्ड पोखरा डोमेस्टिक एयरपोर्ट और दूसरा है न्यू पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसे कि आप मैप में भी देख सकते हैं कि दोनों एयरपोर्ट एक दूसरे से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। न्यू पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इसी साल 1 जनवरी को शुरू किया गया है, तो ये बात भी काफी महत्वपूर्ण है कि शायद नया एयरपोर्ट होने के कारण पायलट्स को एयरपोर्ट की स्थिति की अच्छी तरह जानकारी ना हो। येति एयरलाइन के इस प्लेन को न्यू पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने आ रही है वो ये है कि न्यू पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग से कुछ ही क्षणों पहले जब प्लेन रनवे से महज 24 किलोमीटर की दूरी पर था, तो प्लेन के कप्तान ने प्लेन की डायरेक्शन को बदलकर दूसरे रनवे पर उतरने का फैसला किया। कप्तान ने यह फैसला क्यों किया और क्या इस फैसले का इस दुर्घटना से कोई ताल्लुक है, ये तो इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद ही पता चलेगा। जानकारी के अनुसार न्यू पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 रनवे हैं। पहला है रनवे 30, जिस पर प्लेन पूर्वी दिशा से लैंड करता है। शुरुआत में येति एयरलाइंस के प्लेन को इसी रनवे पर पूर्व दिशा में लैंड करना था। दूसरा है रनवे 12, जिस पर प्लेन दक्षिण दिशा से लैंड करता है, और लैंडिंग से कुछ ही क्षणों पहले कप्तान ने इसी रनवे पर उतरने का फैसला किया। जैसा कि हमने बताया कि रनवे 12 पर दक्षिण दिशा से लैंड करते हैं, इसलिए पायलट प्लेन को मोड़कर दक्षिण दिशा की तरफ ले जा रहे थे ताकि वो रनवे 12 पर लैंड कर सकें। मैप के अनुसार ये रनवे ओल्ड पोखरा डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ आता है और रनवे 12 पर लैंडिंग के लिए मुड़ते हुए ये प्लेन ओल्ड पोखरा डोमेस्टिक एयरपोर्ट और न्यू पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच में ही क्रैश हो जाता है। सोशल मीडिया में आ रही कुछ तस्वीरों और वीडियो के अनुसार लैंडिंग क्रैश के वक्त प्लेन की नोज सामान्य से ऊपर थी और उसकी स्पीड भी कम थी, जिसके कारण शायद प्लेन स्टॉल पोजीशन में आ गया। स्टॉल पोजीशन वो सिचुएशन होती है जिसमें प्लेन को उड़ने के लिए पूरी ताकत नहीं मिल पाती और वो एक पत्थर की तरह जमीन पर गिर जाता है। लेकिन क्या येति एयरलाइंस का प्लेन स्टॉल पोजीशन के कारण क्रैश हुआ? इसका पता भी ऑफिशियल रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। रिपोर्ट के अनुसार प्लेन के ब्लैक बॉक्स और वॉइस डेटा रिकॉर्डर को बरामद कर लिया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही इस हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आएगी। जैसे ही कोई ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी, हम आपको उससे अवगत करवाते रहेंगे। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के लिए ये एक बहुत ही कठिन घड़ी है और हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि भगवान दुख संतप्त परिवारों को इस सदमे से लड़ने की ताकत और हौसला दें।